मैंने कहा था ना, दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। बहराइच में जब गिद्धों को मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो मुसलमानों को जल्लाद और हैवान साबित करने के लिए नासमझ गरीब लड़के गोपाल मिश्रा की लाश के बारे में ये बताने लगे कि मुसलमानों ने गोपाल मिश्रा की लाश से नाखून उखाड़े, करंट लगाया, आंखें फोड़ दी। बीजेपी के चमचे एक झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक ले आए और उसे दिखाकर इस देश की हिंदू आबादी को यह बताने लगे कि देखो देखो सच में हिंदू खतरे में है, सारे हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। बहराइच के अंदर का पूरा मामला आप लोगों के सामने आ चुका होगा कि बहराइच के अंदर किस तरह से गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन उसके बाद एक्टिव होता है दंगाई मीडिया। दरअसल हिंदू और मुस्लिमों में एक बड़ा दंगा कराने की कोशिश की जा रही है, बहराइच के अंदर एक बड़ा बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बहराइच के अंदर एक धार्मिक यात्रा निकलती है, उस दौरान एक हिंदू शख्स मुस्लिम के घर पर चढ़कर उसके घर पे लगा एक धार्मिक झंडा हटाने की कोशिश करता है, उसी दौरान उसके ऊपर गोली से फायरिंग की जाती है। लेकिन किस तरह से दंगाई मीडिया आकर एक समुदाय को टारगेट करते हुए किस तरह से हिंसा, नफरत, दंगा फैलाने की कोशिश करता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रज्ञा मिश्रा जी। इस रिपोर्ट को आप लोगों को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस मीडिया पर आप लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, जिस मीडिया की रिपोर्ट्स देखकर आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं, असल में वो आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रहा होता है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से बहराइच के अंदर एक बड़ा दंगा कराने की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया, दंगाई मीडिया की तरफ से। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैंने कहा था ना, दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। बहराइच में जब गिद्धों को मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो मुसलमानों को जल्लाद और हैवान साबित करने के लिए नासमझ गरीब लड़के गोपाल मिश्रा की लाश के बारे में ये बताने लगे कि मुसलमानों ने गोपाल मिश्रा की लाश से नाखून उखाड़े, करंट लगाया, आंखें फोड़ दी। बीजेपी के चमचे एक झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक ले आए और उसे दिखाकर इस देश की हिंदू आबादी को ये बताने लगे कि देखो देखो सच में हिंदू खतरे में है, सारे हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। और आरएसएस के मुखपत्र ने तो हद ही कर दी, उससे छापा कि आईएसआईएस की तर्ज पर कट्टरपंथी मुसलमानों ने गोपाल मिश्रा की हत्या की, जबकि सच ये है कि गोपाल मिश्रा की लाश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि करंट लगाना, नाखून उखाड़ना, ये सब कुछ भ्रामक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोली लगना पाया गया है, सब कुछ भ्रामक है, सिर्फ झूठ है। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद, सुनिए बयान क्या कह रही है पुलिस। एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान दें। हैरानगी की बात यह है कि जो भाजपा दाल में पानी ज्यादा होने की खबरें दिखाने पर पत्रकारों को जेल में डाल देती है, जो सरकार किताबें कबाड़ में बिक रही है ये खबर दिखाने पर पत्रकारों पर मुकदमा कर देती है, जो सरकार मंत्री से सवाल करने पर मुकदमा कर देती है, वो सरकार मुसलमानों के लिए चलाए जा रहे गोदी मीडिया और भाजपा मीडिया के फेक एजेंडे पर चू तक नहीं करती है। पुलिस कह रही है कि गोपाल मिश्रा की लाश के साथ खामोश बैठी रहती है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये झूठ है, लेकिन गोदी मीडिया बता रहा है कि नाखून उखाड़ कर मारा, करंट लगा कर मारा, गला काट कर मारा, आंख फोड़ कर मारा, देखो देखो मुसलमान कितने हैवान है। प्रज्ञा जी, अब ये इस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है, इसको हम लोगों को मीडिया कहना बंद करना पड़ेगा। ये दंगाई मीडिया है, ये एक पार्टी है, विशेष दंगाई मीडिया कहिए इसको, प्रतिष्ठान के साथ मिलकर के वही काम कर रहे हैं जो काम तमाम सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी संगठन कर रहे हैं। कोई भी उस तरह का अराजक व्यक्ति खड़े होकर के मुसलमानों के नरसंहार की बात करने लगता है, सीतापुर में हम लोगों ने देखा मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की बात करने लगता है, ऐसे ही तमाम अराजक लोगों अब ये तमाम प्लेटफॉर्म शामिल हो गए हैं, इसलिए मुझे मीडिया कहने में शर्म आ रही। अब हम गोदी मीडिया भी नहीं कह सकते, ये वो मीडिया है जो सरेआम दंगा फैलाने का काम कर रही है, ये बर्बर और हिंसक मीडिया ये है। इसने समाज को बांटा है, इसने समाज में नफरत फैलाई है और ये गुनहगार है, इसलिए मुझे लगता है कि इनको किसी भी तरह से मीडिया और पत्रकार ये सब कहना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहना, सम्मान देना, ये सब अब बंद करना पड़ेगा।
कोई गोदी मीडिया नहीं है, ये केवल और केवल नफरती गैंग है, बर्बर है, ये हिंसक है, ये नफरती है, और ये समाज को विभाजित करके वही काम कर रहे हैं जो सत्ता प्रतिष्ठान इनसे कराना चाहता है। बल्कि मुझे तो कई बार ये लगता है कि इतना आदेश भी नहीं मिलता होगा जितना ये करते हैं, आगे बढ़ चढ़ करके अपने रोल को के साथ जितना ये करते कर रहे हैं आपके सही लिए, बात है। इस दिखाने के क्रम में ये कितना गिर जा रहे हैं, ये इनको होश नहीं है। आप समाज को किस गर्त में लेकर के जा रहे हैं, ये कतई उनके जेहन में नहीं आ रहा है। और असली अगर कोई देशद्रोह का काम कर रहा है आज की तारीख में, समाज को तोड़ने का कोई काम कर रहा है, तो वो यही मीडिया है, मीडिया कर रहा है, खुदी मीडिया कह रहे हैं। इसलिए हमें अब ये कहना बंद करना पड़ेगा और इनको केवल और केवल बर्बर बंद करना चाहिए, गैंग के रूप में ही इनको पहचान देनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश में ही रहती हूँ, इसलिए आपको बहुत बारीकी से बता सकती हूँ कि बहराइच की घटना उदाहरण है ये बताने के लिए कि एक धर्म से नफरत करने का स्तर किस कदर एक गुट पर हावी है। पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें भाजपा के नेता हैं, गोदी मीडिया है, आरएसएस के अखबार हैं, राइट विंग के वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मुसलमान विरोधी एजेंडा चलाते हैं। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि बहराइच में बड़ा दंगा हो जाए जिससे चुनावों में हिंदू मुसलमान कराया जा सके। एक तरफ झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है, दंगे के लिए लोगों को भड़काने वाले मौज में हैं। दूसरी तरफ आरोपी की बेटी के ससुराल में पुलिस ने छापेमारी कर दी। आरोपी की ब्याहता बहन रुखसार को सुनिए जरा। 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली तो वहां कोई नहीं मिला, तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। गरीब घर से आने वाला गोपाल मिश्रा राजनीति का टूल बन गया। मेरी संवेदनाएं गोपाल के साथ हैं। एक निर्दोष जान राजनीति का शिकार हो गई, इसको समझना है। हमारी भी संवेदनाएं गोपाल मिश्रा के साथ हैं। गोदी मीडिया गोपाल मिश्रा की लाश के साथ खेल रही है, भाजपा उसके सारे हिंदू मुसलमान खेल रही है। दोस्तों देखिए, ये वो वीडियो हमारे हाथ आया है जिसमें गोपाल मिश्रा को गोली लगी। गोपाल मिश्रा हरे रंग का झंडा उठा रहा है और गोली की आवाज आती है और गोपाल मिश्रा जमीन पर गिर जाता है। वीडियो बनाने वाला मार दिया चिल्लाता है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरफराज और फहीम का एनकाउंटर कर दिया गया है, पैर में गोली बताई जा रही है। पुलिस कह रही है कि बहराइच और नेपाल सीमा के पास हमारी मुठभेड़ हुई, जबकि आरोपियों की बहन रुखसार का कहना है कि पुलिस ने इनको गांव के पास से ही उठाया और फर्जी एनकाउंटर किया। धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है, उनके साथ एक लोग गांव से ही धर्मकांटे के पास अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनको उनका भी कुछ पता नहीं है, ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। जब 2 दिन के दंगे का माहौल बनने दिया गया, उस पर सरकार धृतराष्ट्र बनी बैठी रही। गोदी मीडिया के आग लगाओ झूठ पर सरकार आग पर पट्टी बांधकर बैठी है, तो फर्जी एनकाउंटर की बात करके क्या करें? आप गौर करेंगे तो पाएंगे किसी को गोपाल मिश्रा के परिवार के साथ या फिर मरहूम गोपाल से कोई संवेदनाएं नहीं है। पूरी गोदी गैंग का फोकस इस बात पर है कि कोई संवेदनाएं नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। गोपाल तो सिर्फ टूल बन गया, मेन मामला तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई का राजनीतिक लाभ अपने मालिकों को देने का है ना, जिनकी फेंकी गई पेडिग्री पर गोदी मीडिया पल रहा है। देने का। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर ए टू जेड सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से दंगाई मीडिया सिर्फ और सिर्फ झूठ पर उत्सव हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ दंगाई मीडिया ये कहता है कि मृतक के नाखून खींचे गए, उसको करंट लगाया गया, उसके आँख के पास नुकीली चीज से वार किया गया, लेकिन वीडियो साफ तौर पर सामने निकल कर आए कि किस तरह से गोपाल मिश्रा एक मुस्लिम शख्स के घर पर चढ़कर एक धार्मिक झंडा अढ़ा रहा था, उस वक्त उसके ऊपर फायरिंग होती है। जो शख्स वीडियो बना रहा होता है वो चिल्लाने लगता है कि मार दिया मार दिया। अब ज़रा सोचिए, जब ये तस्वीर सामने निकल कर आई है, पोस्टमार्टम के अंदर भी उसकी जान जाने की वजह गोली लगना बताया गया है, लेकिन ये दंगाई मीडिया एक बड़ा दंगा कराने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने की कोशिश कर रही है। वही बीजेपी पार्टी, वही मोदी सरकार जो दाल में पानी होने के कारण मुकदमा चला देती है,
वही लोगों से सवाल पूछने पर मीडिया पर मुकदमे करने लगती है, लेकिन ये दंगाई मीडिया जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है, क्या इस पर भी मुकदमा किया जाएगा? ये सवाल जो है प्रज्ञा मिश्रा जी पूछ रहे हैं, क्या इन लोगों पर भी मुकदमा किया जाएगा? क्योंकि ये लोग वही काम कर रहे हैं जो बहुत सारी राजनीति पार्टी करना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से हो दंगा फैले, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांट दिया जाए ताकि एक वोट बैंक तैयार हो। गोदी मीडिया की और दंगाई मीडिया की किस तरह से ये झूठी बातें, बर्बरता, क्रूरता सामने निकल कर आई है, इस रिपोर्ट से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ही सच्चाई आप लोगों के सामने परोसे होंगे। इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सत्य का साथी बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।